अब 11.2 को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले देखेंगे हम, जैसे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसका फार्मूला देखिए, क्या फार्मूला है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का? बेस इंटू में हाइट, बी इंटू में एच। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसका बेस निकालना है पैरेललोग्राम का तो एरिया अपॉन में हाइट कर दीजिए, अगर हाइट निकालना है तो एरिया अपॉन में बेस। इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट फार्मूला कौन सा ध्यान रखना है? एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। एरिया कितना होता है हर ट्रायंगल का? जैसे मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम दे दिया और एक ट्रायंगल बना हुआ है, आपको इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाफ़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एल इंटू में बी। ठीक है, इसको आप ब्रेथ इंटू में हाइट भी बोल सकते हैं ट्रायंगल के लिए। ओके, तो ऐसे आप निकालेंगे। फिर देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए मैंने आपको बताया हाफ बेस इंटू में हाइट होता है। अगर आपको बेस निकालना है ट्रायंगल का तो 2 इंटू में एरिया अपॉन में हाइट कर दीजिए, अगर हाइट निकालना है तो 2 इंटू एरिया अपॉन में बेस। ओके, तो इसी बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको क्या करना है? एरिया निकालना है इस पैरेललोग्राम का। फर्स्ट क्वेश्चन में ए देखिए, आपको ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, ये 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो चलिए निकालते हैं इसे। देखिए 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, बेस इंटू में हाइट होता है। यस, तो यहाँ पे क्या बोला है आपको? पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए बोला है, तो बेस इंटू में हाइट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर इंटू में 3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका एक और पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, सी पार्ट देखिए। ये आपके पास पैरेललोग्राम है, इसका एरिया निकालना है। इसमें हाइट है 5 सेंटीमीटर, बेस है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्वेश्चन नंबर 1 का सी, बी इंटू में एच, 3 इंटू में 5, कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है इस ये जो ट्रायंगल्स हैं इनके। तो ये देखिए एक ट्रायंगल है, इसकी हाइट दे रखी है 3 और बेस कितना है? 4। तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू, यहाँ पर आई लगा लीजिएगा, स्पेलिंग गलत है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू में हाइट, ये फार्मूला होता है। तो हाफ बेस कितना है? मैंने अभी आपको दिखाया था 4 है, देखिए 4 और हाइट 3। क्या करेंगे? 4 और हाइट 3 रख देंगे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देख लीजिए, ये आपको एक बाहर ट्रायंगल बना के दिखा रखा है 3, जिसकी हाइट बना रखी है और यहाँ 4 है। ठीक है, बेस। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना है? हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस कितना है? 4 और हाइट कितनी है? 3, सेम है, तो इसलिए आंसर भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क है, आगे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। और इसके सारे पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं कॉपी में, ये फिगर भी बनाना है और देन सॉल्यूशन करना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।